हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं मेरे सारे फूडीज़। आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेड रोल। बारिश के इस मौसम में कुछ क्रिस्पी कुछ स्पाइसी हो जाए चाय के साथ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमको चाहिए तकरीबन 4 बॉयल्ड आलू। अपना मिक्सर बनाने के लिए आलूओं को इस तरह से हम छील लेंगे। इसी तरह से बाकी आलूओं को भी हम एक एक करके छील लेंगे। चलिए अब छील गए हमारे चारों आलू। अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 3 हरी मिर्चें ली हैं, छोटा छोटा कट कर लिया है। 1 लाल मिर्च कट करी है। अदरक ली है आधा इंच की, घिस के डालेंगे इसको हम अपने मिक्सर में। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। मैं सादा नमक यूज़ करती हूँ इसलिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है। काली मिर्च ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, साथ में हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मैश करने के लिए पोटैटो मैशर ले रहे हैं, उसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे ताकि आलू एकदम फर्मली मैश हो जाएं। नहीं तो हमारे ब्रेड रोल टूटने का थोड़ा डर रह सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि अच्छे से हम मैश कर दें। ब्रेड ले लिए हैं स्लाइसेस, तकरीबन 6 स्लाइसेस हैं। आप चाहे तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं, मेरे पास ब्राउन अवेलेबल थी तो मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ। चलिए मैं आपको इनको कट करके दिखा देती हूँ। सबको कंबाइन करके किनारियाँ काट लेंगे। अगर आपसे एक साथ रख के कट ना हो तो आप सिंगल पीस भी लेके कट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से एक सिंगल लेके भी आप कट कर सकते हैं अगर आप सारा इकट्ठे करके कट नहीं कर पा रहे तो। और ये सारी जो किनारियां हैं वो हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम एज ए ब्रेड क्रम्स किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। एक बार आलूओं को अच्छे से हम मैश कर लेंगे हाथ से। और इस तरह से शेप देके हम बना बना के रख लेंगे। इस तरह से बना बना के हम प्लेट में एक साथ रख लेंगे ताकि जब हम ब्रेड को गीला करें तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो पहले ही अगर हम उसको इस शेप में बना के रख लें तो हमारे लिए इजी होगा। चलिए अब हम ब्रेड में रोल करना शुरू करते हैं। मैं एक प्लेट में पानी ले रही हूँ, बहुत सारा पानी नहीं ले रही ताकि ब्रेड सॉगी ना हो जाए, फिर उसको पैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही पानी एक तरफ हमने लगाना है, दोनों तरफ नहीं। और फटाफट से हमने हल्के हाथ से स्क्वीज़ करते जाना है, इसे प्रेस कर करके स्क्वीज़ करते जाएंगे। और हम अब अपने आलू के मिक्सचर को इस तरह से रख के ऊपर से पैक करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसको पैक करना है
ब्रेड हल्की सी सॉगी होती है, इसलिए वो फटाफट वैसा शेप लेती जाएगी। हल्के हाथ से आप घुमाते जाइए और पैक करते जाइए, इस तरह से शेप बन जाएगा ब्रेड रोल का। तो लीजिए, एक ब्रेड रोल बनकर तैयार है, दूसरा भी इसी तरह से बनाया है। एक और मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। एक तरफ से ब्रेड गीली करी, एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर दिया, आलू का मिक्सचर रखा इस तरह से, एक फोल्ड लगाया, दूसरा फोल्ड लगाया और तीसरा चौथा पैक करते गए। हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे, ब्रेड शेप लेती जाएगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत धीरे भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक और दिखा देती हूँ। जो प्लेट में मैंने पानी लिया है वो हर ब्रेड के अकॉर्डिंग थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ रहा है, बहुत सारा पानी मत लीजिएगा। मैंने ये ब्रेड रोल्स बना के एक प्लेट में इकट्ठे करके रख लिए हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 5 मिनट फैन के नीचे रख लीजिए। मेरे को अभी तेल काढ़ना भी था और गर्म भी करना था, इस करके मेरे पास टाइम था तो मैंने उन्हें ऐसे ही रख दिया ताकि इसमें से जो भी मॉइस्चर है वो उड़ जाए, क्योंकि अगर उसमें पानी रहा, मॉइस्चर रहा, तो वो उतना ही ऑयल सोख लेगा। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो मेरे को उसको पहले काढ़ना था। गैस फुल पे रखिएगा। जैसे ही आप इन्हें फ्राई करने के लिए डालें, थोड़ा सा मीडियम आंच कर दीजिए, हल्की लेयर आ जाएगी जब ब्रेड रोल के ऊपर, तो आप उसको टर्न करिएगा। एकदम टर्न मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये फट सकते हैं। गोल्डन ब्राउन हो, ऑयल निकाल के आप सारा साइड कर लीजिए। ऐसे नहीं, फुल पे ही बनाते जा रहे हैं, बीच बीच में गैस को मीडियम फ्लेम पे भी करिएगा। हल्की लेयर आ गई, अब टर्न कर लेते हैं। ध्यान से करिएगा इनको टर्न, बिल्कुल भी लगे नहीं इन पे, नहीं तो फट जाएंगे फिर ये। देखिए कितने क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। एक एक करके ऑयल निकाल के हम इनको निकाल लेंगे। दो दो करके तीन तीन पीस करके हमने फ्राई करना है। ताकि टर्न करते वक्त हमारे ब्रेड रोल्स फटे नहीं और हमें दिक्कत भी नहीं हो टर्न करने में। ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए, टर्न कर लेते हैं। फ्राई करने में इनको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ वो ब्रेड की ट्रिक ध्यान रखिए कि उसमें पानी कम ही ऐड करिए ब्रेड को जब गीला करें, और हल्के हाथ से उसे पैक करते जाएं आलू का मिक्सचर रख के। तो हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी और स्पाइसी। स्पाइसीनेस इतनी ही रखिएगा, बहुत ही यम्मी बनेंगे ये। किसी ने आपसे रेसिपी पूछी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर रेफर करिएगा।
तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा इस मौसम में। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही यमी है, परफेक्ट बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, चाय के साथ एंजॉय करिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।